हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों आज हमारा तीसरा पार्ट आ रहा है अस्तगन काल, प्रश्नकाल, शून्यकाल, आज आपका आता अस्तगन काल। तो दोस्तों अस्तगन काल का जो समय है वो 4 से लेकर 6:30 तक शाम को। अस्तगन काल के दौरान दोस्तों क्या होता है, कहता इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान आकर्षित करना। तो अस्तगन काल के दौरान सरकार का ध्यान आकर्षित करना किसी जो लोकहित के मामले में जो विलंबनी कार्य रुका हुआ, और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता। अगर स्थगन काल का की बात को सरकार या सदन मान लेती है तो उस दौरान जब इस पर चर्चा होता है अविलंबनीय महत्व के मामले पर, तो उस समय जो सरकार के नियमित कार्य होते हैं उसे रोक दिए जाते हैं। तो इस पर बच्चों हमने बनाया इसके कार्य क्या होते हैं भाई। तो इसके दोस्तों कार्य क्या है, तो स्थगन प्रस्ताव के जो विषय हैं, तो किस पर स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है दोस्तों, तो कहता देश की राजनीति, तो दोस्तों तो देश की राजनीतिक स्थिति, अराजकता, बेरोजगारी हो गया, रेल दुर्घटना हो गई, मिलों का बंद होना हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हो गई। तो ये उनके विषय हैं स्थगन प्रस्ताव को, जिस पर स्थगन प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव पेश करने के 10 बजे का समय होता है। 10 बजे प्रस्ताव की सूचना अगर हम राज्यसभा में लाते हैं तो सभापति को, अगर हम लोकसभा में लाते हैं तो लोकसभा को, तो लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना अनिवार्य होता है। ठीक है भाई, यदि वह मामला नियमानुकूल होगा तो प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे दी जाती है। और दोस्तों इस प्रस्ताव को सरकार का, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, निंदनीय प्रस्ताव, तो निंदनीय प्रस्ताव किस प्रस्ताव को कहा जाता है, अगर सदन में जो प्रस्ताव लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को सरकार का निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।